अरे भाग मिल गया भाग, अरे भाग मिल गया भाग, अरे आराम से आराम से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त टैबला गरुण, मैं आ चुका हूँ एक डिल्वेश्वर जो महाराष्ट्र के एक थाने ज़िले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ की नॉलेज मुझे यहाँ पर मेरे मामी जी के बेटे अंकुर भैया देंगे। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुझे जो बताया था, यहाँ पर पांडव आए थे, यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति स्थापित की थी, तो वहाँ पर उन्होंने पूजा करनी शुरू करी थी इन घने जंगलों के बीच में। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं उस साइड और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अंकुर भैया के साथ, और अंकुर भैया से भी आपको मिलवाता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं पूरी वीडियो में डिटेल दूंगा और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और ये किस जगह पर स्थित है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, आगे की साइड चलते हैं, ठीक है। अंकुर भैया से आपको मिलवाता हूँ मैं, ठीक है। बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत टेस्टी है। खाओगे? नहीं खाओ भैया आप। तो भैया हम यहाँ पर कहाँ पर आए हैं? ये डिंडीगढ़ है, डिंडीगढ़ भिवंडी, भिवंडी में, मुंबई में। किस जगह पर है ये? ये ठाणे जिला में पड़ता है, ठाणे जिले में, और शंकर भगवान का स्वयंभू है, शंकर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी शिवलिंग है, आगे हम दर्शन करेंगे बढ़िया। और ये कितने कहाँ तक जाना हमें? अभी हमें ऊपर तक जाना है। कितने फीट में रहेगा वो? आई थिंक किलोमीटर में बताया तो लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चढ़ना है हमें, तो 800-900 फीट, 800-900 फीट। चलो तो फ्रेंड, चलो चलते हैं भैया के साथ। ये हमारे अंकुर भैया हैं, ये मुंबई के अंदर महाराष्ट्र भिवंडी जिला में रहते हैं, और मेरे साथ में मेरे जीजा हैं जिन्होंने मेरा कैमरा पकड़ रखा है, ठीक है। मैं उनको भी दिखाता हूँ अभी आपको अपने साथ। सो फ्रेंड, ये हमारे जीजा हैं, आइए चलते हैं, लेट्स गो, ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली गुड़हल के फूल की कली है और ये बहुत हेल्दी होती है, और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, और आप बारिश के टाइम में आएंगे ना तो यहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये सब जगह, ये सब पूरा हरियाली रहती है। अभी तो खैर फैब का मंथ है तो लगभग हरियाली 30% चली गई है, लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया है। इधर गौशाला है, यहाँ से तो मेरे ख्याल से पूरा शहर दिखता होगा ना भैया? हाँ हाँ, पूरा शहर दिखता है। अभी हम ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ से बहुत बढ़िया व्यू दिखता है, नाइट व्यू, नाइट का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पे देखिए गौशाला है, जो बीमार गायें हैं उनको यहाँ रखा जाता है। अच्छा, मंदिर का ट्रस्ट चलाता है इसे, ऊपर बीमार गौशाला है, नीचे भी कई गायें हैं। अच्छा, सेवा करते हैं ये लोग। अच्छा, गौशाला में एक बहुत प्यारी चीज है, आप अंदर आएंगे तो शॉक हो जाएंगे। सब प्यारे प्यारे बछड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे गाय के।
थक गए यार चलते चलते। अभी मत थको, अभी तो 20% 80% बाकी है। अच्छा ये जो प्लांट है जिसमें हरी हरी पत्तियां बची हुई है, महाराष्ट्र में इसको सोना बोला जाता है। सोना सोना सोना। अच्छा मेरे को लगा यही सोने को कह रहे हो। नहीं नहीं इसे सोना बोला जाता है। गुड़ी पाड़वा एक त्योहार आता है। गुड़ी पाड़वा। तो उसमें क्या होता है कि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको ये देते हैं और इसके साथ में तिलगुड़ देते हैं। बोलते हैं तिलगुड़ गया अनि गोड़ गोड़ बोला। अच्छा मतलब तिलगुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। तो ये सोना देते हैं, मतलब एक फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है। तो इस पत्ती का उसी दिन यूज होता है। ये उसका पूरा झाड़ है। अब ऐसा बोल सकते हैं कि सोने के झाड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं। इसकी पत्तियों को देख सकते हैं, इनकी पत्तियां ऐसी होती है। अगर आपके यहाँ भी हो तो कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सोना बोलते हैं। सोना है। यस ये आपने बुलाया क्या? नहीं नहीं चलेंगे रुकेंगे अभी, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। आगे बैठते हैं ना बस, ऊपर यही मंदिर है, थोड़ा आगे। सच्ची? यस यस थोड़ा आगे। तो जल्दी जाने की किसको दूं ऊपर? भाई मैं नहीं जाता इतनी जल्दी ऊपर मंदिर। किसी को जल्दी नहीं जंगल के रास्ते। ठीक है तो आ जाइए। जैसे मैंने भी सूट नहीं डाले हुए हैं, थोड़ा संभल के चलेंगे हम लोग। एक्चुअली ये लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि जंगल है, तो जंगल में स्नेक वगैरह भी रहते हैं, तो उनको थोड़ा यूज करेंगे। मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े। चलो मैं जूते पहन के आऊँ। मैं ठीक बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो महाराष्ट्र में स्नेक होता है ग्रीन कलर का, वो बारिशों में पेड़ में खड़े होते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं। उसमें दो तरह के क्या चीज बारिशों में? बारिश में दिखाई नहीं देते हैं। क्या पेड़ में होते हैं? स्नेक होते हैं ग्रीन कलर के, हरे रंग के सांप, हरे रंग वाले। अरे सुपारी पड़ी ले रखी है क्या मेरे नाम की? वो सिर्फ बारिश में होते हैं। अच्छा बारिश में हो सकते हैं। झाड़ है अभी तो रहेंगे भी नहीं। और उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक पॉइजनस होते हैं एक पॉइजनस नहीं होते हैं। मुझे लगता था मैं ही पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन उनसे पहले कुछ गाय भैंसे भी यहाँ आई है, उनके गोबर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बता रहे हैं कि वो जल्दी आई है। तो बेल है सारी, देखिए कितनी मोटी मोटी बेल है, कितनी पुरानी बेल है। ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी नॉर्मली, तो ये कितनी पुरानी बेल है ये आपको देखने नहीं मिलेंगे। ये एक फल है। फल? ये कैसा फल? ये इसके अंदर छोटा सा दाना निकलता है तो वो खाया जाता है। देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं, आपको ऐसे लगेंगे कि मकड़ियों के छोटे छोटे जाले हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको दिखाता हूँ कि मकड़ियों के जाले नहीं हैं। ये एक जंगली पेड़ है और उसमें ये इस तरह के
इसके बीच में बीज होता है जिसे खाया जाता है और बहुत बढ़िया होता है। जैसे चिरौंजी आपने खाई होगी तो कुछ उससे ही मिलता। और कितने सारे ऐसे लग रहा है पंख पड़े हुए हैं चिड़िया के, बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं। मक्खी के जाले जैसे भी हैं थोड़े, मैं थोड़ा रख लेता हूँ मेरे बेटे के लिए, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई बोल सकते हैं, अमेजिंग। तो मैं इसे थोड़ा सा रख लेते हैं। झुकना नहीं, चलिए चलते हैं हम लोग। ये कितना प्यारा लग रहा है ना, इसका काम देखिए ये है कि जैसे जैसे फलियां पकती हैं वैसे वैसे नीचे गिर जाती है इस तरह से। ये मंदिर के पास शॉप है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ये नया भी उन्होंने बनाया है, पहले कोई यहाँ पे शॉप नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोग इस तरह से यहाँ आ रहे हैं। ए पापा, मेरे भाई साहब भी बहुत थक गए थे, तो मैंने बोला इसका मुझे ऐड याद आ गया, स्टिंग का एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक। तो मैंने बोला शायद वैसा कुछ हो जाए, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा रह गया है। और ये सारे जिनके शॉप से हमने ये लिया है ये यहाँ लोकल के हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ बता सकते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ का कैसा है? अभी यहाँ पे क्या है, बहुत पुराना मंदिर है जी जी, जो पांच पांडव थे ना वो भी लोग बने, वो उधर है पातालेश्वर और इधर देवी का स्थान था। हाँ, हाँ। उसके बाद वो मंदिर बना दिया। अच्छा, स्वयंभू है क्या मतलब? स्वयंभू उधर नीचे वाला है। अच्छा, वो जो पांच पांडव थे ना। हाँ, हाँ। वो लोग बने। वहाँ जाने के लिए रास्ता है अभी? हाँ, यहाँ से सीधा पैदल जाएगा वो, लेकिन बारिश में बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाजू में झरना वीरना है, बहुत बारिश में तो ये पूरा सब कुछ बहुत बारिश में तो देखने बहुत, उसमें तो मोर बहुत देखने को मिलता है। आपकी लैंग्वेज में आपके लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के लिए? क्योंकि मैं पहले आता था तो ये रोड वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। ओ, सामने से ऐसा बीच में सादा कच्चा रास्ता था जी। तो आप जैसे आपकी लैंग्वेज में जो महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, तो आप अपने लोगों को क्या बोलना चाहेंगे एक छोटा सा मैसेज यहाँ लोगों को? वही बोलना चाहिए क्या, बहुत लंबे लंबे लोग जाते हैं जी, इधर नजदीक इतना अपना ये इतना बढ़िया एक मंदिर होने के बाद इधर कम आते लोग, लेकिन वो लोगों को वही बोलना चाहता हूँ क्या, उतना लंबा जाने के बाद एक बार इधर आके देखो तो मालूम पड़ेगा कि इधर क्या है क्या नहीं है जी। तो आप मराठी में बोलेंगे तो ज्यादा सिंपल सिंपल चमत्कार असे पहिला पूर्वी पाऊस वगैरे पडत नव्हता, पाऊस नव्हता तर वरती याला असं भजन कीर्तन जर करत राहिला तर पाऊस पडायचाच। ओके, समझो बारिश नहीं गिरता था ना। हाँ, 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 खेती के टाइम तो ऊपर वो समझो बाजा बीजा बजा रहे थे हरे पर भजन, तो बारिश होना ही होना। तो बाद में सब गांव वाले मिल के ऐसे आजू बाजू के बोले नहीं अपन एक मंदिर बनाएंगे उधर, पहले ऐसा माता का ये था। तो बाद में सब मिल के हो गए रेडी, आज ऐसा हो गया ये भिवंडी की शान है। अगर ऊपर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि नीचे जाओ। वैसे तो सर एक्चुअल में महाराष्ट्र देवों पे घूम ही रही है, संतों पे घूम ही रही है, और अगर पांडवों ने यहाँ पे शिव मंदिर बनाया तो एक्चुअल में वो काफी अच्छा होगा लोगों के लिए। बहुत भले तो बहुत अच्छा है वो, लेकिन मैंने बहुत सुना है ऐसा है क्या, जो पहला मंदिर था पांच पांडव लोग बनाए थे वो जो मुगल के राज में वो लोग बोलता है गिराया था वो मिट्टी के अंदर दब गया। अभी हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो। ओके, रास्ता है थोड़ा सा ऐसा पैदल जाना पड़ेगा आगे, अभी आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर नीचे ऐसा कच्चा रास्ता है उतरने के लिए। तो हम अभी जैसे अभी शाम ढल रही है तो पहले उधर जाते हैं। ओके, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग यहाँ आइए, सर की एक छोटी सी शॉप है, आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह सब मिलेगा, टाइम टेबल है, अभी दोपहर का टाइम है, जब जैसे शिवरात्रि है यहाँ भंडारे वगैरह होता है या अमावस्या है तो उस दिन ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, और वैसे लोगों का आना जाना होता ही है। तो आगे हम चलेंगे यहाँ पे जो पांचों पांडवों ने जो मंदिर बनाया शंकर भगवान का, वो यहाँ नीचे जैसे पूरा कोलैप्स कर दिया गया जैसे सर ने बताया कि वहाँ पे अभी भी वो शिवलिंग है, तो हम चलेंगे वहाँ पे और भगवान के दर्शन करेंगे। और जीजा जी ने लगभग स्टिंग का थोड़ा ही किया है, तो मैं चाहूंगा अभी इसको जल्दी जल्दी खत्म करें और आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अब किधर जा रहे दादा? अभी हम लोग जा रहे हैं जो पांडवों ने मंदिर बनवाया था शंकर भगवान का, जैसे उन्होंने बताया,
हम लोग वहाँ जाके दर्शन करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे पहाड़ी मंदिर पे। बस थोड़ा ही चलना है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा। हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, मंदिर आ जाएगा, ठीक है? तो कंटिन्यू करेंगे सच्ची ना। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जीजा, ये चप्पल पहन के कैसा लग रहा है मेरा? चप्पल पहन के तो ऐसा लग रहा है कि खाली रोड में आप चल रहे हैं। खाली रोड में चल रहे हैं मतलब? बिना चप्पल के। बिना चप्पल के ना, एक्चुअली जरा चप्पल निकालिए ना। चप्पल पहनने के बाद ये जो चप्पल है मेरी, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ये इसको पहनने के बाद आप थोड़ा नज़दीक से इसको दिखा सकते हैं इसमें क्या है। इसको पहनने के बाद कैसा लग रहा है, कितना दूर चल सकते हैं? ये कंक्रीट टाइप का है, नहीं चल सकते ना? चलिए मुझे दे दीजिए। आप अपना पहनिए। एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं जो पैरों को चुभते हैं। अब नहीं लग रहा ऐसे कि हम थके हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि हम लोग तीनों लोग जो है कल सुबह लगभग 7 बजे उठे हैं और मौसी की लड़की की शादी थी, पूरी रात हम लोग सोए नहीं हैं। और अभी यहाँ आने के बाद हम लोग भूल गए कि कल हम शादी में थे और हम जगे हुए थे। इतना मज़ा आ रहा है, वो भी पूरी रात। और इतना फ्रेशनेस फील हो रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है। ये साइकिल का टायर खाइए, बिना टायर वाला, सॉरी साइकिल के व्हील्स बिना टायर वाले। एक्चुअली साइकिल के व्हील्स में ये कुरकुरे हैं, आपको नहीं मिलेगा। नीचे जाना है, ऊपर तो जाना है, शायद नीचे को बोला था। एक अलग ही सुकून सा मिल रहा है यहाँ पर। एक मत लीजिए, 3-4 ले लीजिए। अरे नहीं ठीक है भैया। जंगल में आपको ये फरवरी के महीने में भी खाने को बड़ी प्यारी चीज मिल जाएगी अगर आप हर चीज पे ध्यान दें। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसे आप खा सकते हैं और आप इसे जानते भी होंगे। ये गुलर का पेड़ है देखिए, और एकदम बढ़िया गुलर इसमें लगी हुई है। अगर आपने नहीं खाई है तो आप इसे टेस्ट करिए, ये टेस्ट आपको सिटी में नहीं मिलेगा। अभी कच्चा है, अच्छा टेस्ट है, ठीक ठाक है। उधर बहुत सारी हैं, ये तो डिस्कवरी के मैनीज वर्ल्ड वाइल्ड के जैसी बातें कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी गुलर लगी हुई हैं, और आपको इसे आंख बंद करके खा लेना चाहिए क्योंकि इसे आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल नहीं छूना है इसे, क्योंकि इसमें से ये तो दूध निकल रहा है तो इससे लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, पर ये गुलर है, इसे खा सकते हैं। इसके पेड़ को भी आप पहचानते होंगे, आपके घर के आसपास ये बहुत सारे पेड़ होंगे। अब नहीं दिखते ये आसपास घर के, अब नोटिस करेंगे ना, नहीं दिखते। और ये ना हमने बचपन में ना इसे गोंद कहते थे, अरे ये ना दूध है, जहरीला है, ऐसे बोलते थे हम। जो जैसे देखेंगे वहाँ पे गुलर का पेड़ है जिसमें बड़ी बड़ी गुलर लगी हुई है, तो मैं थोड़ा शौकीन हूँ इन चीजों का। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कंफ्यूजन है, ये गुलर नहीं है। हमने जो पहले खाई वो तो गुलर थी, लेकिन ये गुलर जैसी दिख रही है लेकिन ये गुलर नहीं है। अच्छा ये देखिए, यहाँ से राउंड नहीं है गुलर, एक्चुअली यहाँ से प्लेन होता है, राउंड होता है। तो आप गलती से भी ना खाएं ऐसी चीज़ें। मैं तो दूर से देखा मुझे लगा गुलर है, लेकिन गुलर नहीं है। हम कंटिन्यू करेंगे आगे।
अरे यहाँ तो एंड हो गया अंकुर भैया। अच्छा अभी और नीचे पांडव को और कोई जगह नहीं मिलती क्या? अगर रात को शाम कोई आया तो डर सा जाए, अकेला कोई यहाँ तक आ ही नहीं सकता पहली बात तो ये। नहीं भाई, रात को यहाँ लोग शाम को 5 बजे पूरी फैमिली के साथ आते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं और यहाँ नीचे मंदिर में रात भर भजन चलता है। आपको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि पूरे जंगल से घिरा हुआ है। आराम से आराम से। ओके जीजा तुम तो बोल। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये अंकुर भैया ना होते तो फिर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ठीक है। अकेला तो बिल्कुल नहीं, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। पूरे जंगलों से घिरा हुआ है, ये कहने को पर्वत है मगर देख सकते हैं आप ये पूरे जंगल से घिरा है, ठीक है। ये चलते हैं नीचे की साइड। अल्टीमेट व्यू है। सो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं आप अंकुर भैया ने हमें कितना अच्छा एक्सप्लेन दिया है इस जगह के बारे में। तो फ्रेंड मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा आपको, जब तक किसी जगह का बारे में पता ना हो तो अकेले ना जाइए क्योंकि बहुत दिक्कत भी हो सकती है। ओके आगे की साइड चलते हैं, हम मंदिर का व्यू लेते हैं। बहुत मैंने स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं इस जगह पर। ओके करवा लीजिए अभी, मतलब अभी मान लो कि हम लोग यहाँ 1 घंटे बाद आ जाएंगे। एक्चुअली ये शायद किसी पेड़ के फल हैं, अभी हम पता करेंगे इसको बाद में क्या है। भाई तो बड़ा सुंदर, ये हम रख लेते हैं बाद में काम आएंगे। थोड़ा पास से दिखा ना भैया, बहुत ही सुंदर है ये। जो फाइनली हम लोग मंदिर पे आ गए हैं और ये हमें हम अब चलेंगे मंदिर के दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं इसका साउंड कितना प्यारा है। ओम नमः शिवा। आप अगर यहाँ का व्यू देखेंगे तो चारों तरफ एकदम शांति है। और जैसे कि उन्होंने हमें बताया था पहले कि पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, अब इसे तोड़ दिया गया है लेकिन अभी भी मंदिर है। उसके ऊपर की दीवारें नहीं है जो गिरा दी गई है, अभी हम बाद में दिखाएंगे। अभी भगवान के दर्शन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ को मैं बना हुआ हूँ, ये नंदी महाराज के जो ये है ये स्थापित की गई है बाद में, क्योंकि जो नंदी महाराज है वो खंडित कर दिया गया। आप देख सकते हैं कुछ भी प्रतिमा है, इधर भी कई सारी प्रतिमाएं टूटी हुई हैं। तो ये नंदी महाराज है तो इनकी पूरी प्रतिमा वो तो यहाँ पे ये ऐसे बना दिया गया क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर के सामने नंदी महाराज होते ही हैं। ये पुरानी सारी मूर्तियाँ हैं जो तोड़ दी गई हैं लेकिन मंदिर अभी भी है।
जैसे कि ये प्रतिमा देख रहे हैं पूरी खंडित कर दी गई है, तोड़ दी गई है ना। वैसे ही इधर आप देखेंगे ये भी एक पुरानी प्रतिमा, आई थिंक ये गौमुख बनाया गया था जिसमें से कंटिन्यू शंकर भगवान का जो जल है वो बाहर जाता था मंदिर से, लेकिन इसे भी तोड़ दिया गया है। ये कुछ मूर्तियाँ हैं जो बाहर लगी हुई थी, सारी तोड़ दी गई, लेकिन ये मंदिर के पिलर आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। ये पुराने हैं सारे, इसे तोड़ा गया लेकिन ये आज भी वैसे ही खड़े हैं। और ये पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और आप देखेंगे भगवान के कितने सुंदर शिवलिंग है यहाँ पे। यहाँ बहुत कम ही लोगों को जानकारी है यहाँ की, और ये पांडवों के टाइम के, तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना शिवलिंग है। और ये दीवारें आज भी सारी पुरानी है, तो पुराने टाइम के ही पत्थर है सारे को लगे हुए हैं। मंदिर पूरा तोड़ दिया गया है तो उन्होंने शेड लगा दिया है इसे भी। और कितने सुंदर भगवान है यहाँ पे। आपको यहाँ जरूर एक बार आना चाहिए, तो बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी शांति है यहाँ पे। बात लग जाएगा उनको, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं उनके दांत में। सारे बच्चे वो खाई हुई है, वो खाली देख रहा है इधर उधर। ये ले, तू आ जा। ले अरे हाँ यार, ये तो खा लेते हैं। नहीं सब खा के अच्छा मैं नहीं आता हूँ, रोटी लाते हैं। वो लड़ता है, ये बेचारा सीधा साधा है। हाँ ये लाल वाला बोल रहा है। तुम उसको वहाँ भी रखो, नहीं तो ये आ जा। अच्छा तू इधर ले बेटा, ये ले ले, तू पन्नी खा ले, पन्नी खा, पन्नी बहुत झगड़ा करता है साली। अच्छा ले ले ले, तू भी ले ले भाई, ले तू भी खा। चलो भागते हम लोग, सनसेट तो देखिए हम ही लोग आए हैं, जल्दी चलते हैं, नहीं सनसेट हो जाएगा। मिल गया वक्त, शंकर भगवान के मंदिर में। जंगल में से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है। दिन में जितना अच्छा लगता है उतना ही रात को खतरनाक हो। हाँ, जो जितना प्यारा लगता है वो उतना ही खतरनाक हो सकता है। ये कह रहे हैं, कहने का चाहते हैं जानवर घूमना चालू करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि बहुत सारे जगह, कहीं भी आ सकता है ना। यस,
शेर देखने चाहिए कि शेर का शिकार बने आज। ये देखिए किसका पॉटी है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल हमको लेट हो रहा है क्योंकि सनसेट होने वाला है, मैं ऊपर मंदिर में जाना है। भागो 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 भाग मिलकर भाग भाग मिलकर भाग अरे भाग मिलकर भाग अरे भाग मिलकर भाग अरे अरे भाग अबे यार ये कह रहा भाग रहे अबे यार फाइनली हम लोग अभी मंदिर तो नहीं पहुंचे, लेकिन ये सुंदर सा नज़ारा देखिए पहाड़ के बीच में कैसे सनसेट हो रहा है। अरे भाई साहब देखिए इनकी हालत क्या हो गई है, हम सब लोगों की हालत एकदम ख़राब है, लेकिन हम लोग का जो टारगेट है वाओ अरे यहाँ से व्यू सुधर। अरे वो फोर्ट दिख रहा है वहां पे। एडम यस अरे वो देखो वाला फोर्ट, वो देखो थंबनेल और वो फोर्ट वही वाला है। हाँ नानगढ़ का। हाँ भैया भैया इसको लो पहले, इसका 10 सेकंड ले लो, 10 सेकंड और व्यू मिलेगा सनसेट का। बहुत यहाँ से देखिए बहुत अच्छा व्यू है। ये लो सो फ्रेंड एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो जो पहाड़ से दिख रहे हैं ना वो नाना घाट हैंगे। यहाँ से 144 किलोमीटर आएगा भिवंडी से जो फोर्ट हैगा, और ये वहाँ से रिवर्स वाटरफॉल भी दिखता है, देख सकते हैं आप। वो देखो वहाँ पे एक फोर्ट भी है। ये देख सकते हैं हम, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहीं पर आए हैं हम दर्शन करने के लिए। ओके फ्रेंड्स देख सकते हैं, और यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, सनसाइन बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से, देख सकते हैं आप। ओहो अल्टीमेट है ये देखिए। ओह कितना फॉग सा लग रहा है यहाँ से देखने पर, कितना धुंधला धुंधला सा लग रहा है, लाइटें कितनी चमक रही हैं, कितना प्यारा व्यू लग रहा है। वो देखिए अंकुर भैया और अंजीजा जी कैसे उतरते हुए जा रहे हैं। सो फ्रेंड जो देख रहे हो उस इंसान को जो थोड़ी दूर करके हमें यहाँ तक ले आया, अब अंकुर भैया को देख रहे हो, अब देखो कैसे चल रहे हैं। हाँ जी सर देखिए तो जो थोड़ी दूर करके हमें कहाँ से कहाँ ले आए, मगर उन्होंने अल्टीमेट व्यू दिखाया है यहाँ से, क्या व्यू है यहाँ का। तो फ्रेंड जब भी आप आना तो इस जगह पर जरूर आना, क्या व्यू है यहाँ का, ओ माय गॉड। आप भी देख सकते हैं ये व्यू, और जो इसका सनसाइन का पॉइंट है ना वो अल्टीमेट है।